दोस्तों अज फिर एक नवे सफर से जा रहे हैं असी। करोना के टाइम के साड़ी दूसरी घुमक्कड़ी है। पहली घुमक्कड़ी तुसी देखा सीगा कि असी चंडीगढ़ तो भवाना भाव अलपाइन स्कूल गए सीगे, ते अज असी जा रहे हैं मोरनी हिल। मोरनी हिल इतों लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है, तो जिहड़ा इतों एलिवेशन है मोरनी हिल की भाव चढ़ाई है वो हैगी है 1200 मीटर के आसपास। पिछली बारी 600 मीटर सीगी, इस बार दुगनी चढ़ाई है, तो सफ़र जिहड़ा किलोमीटर के हिसाब नाल भी पिछले नालों ज़्यादा बनता थोड़ा जिहा। तो देखते असी पहुँच पाने कि नहीं। इस बार असी थोड़ा जिहा जल्दी चलने की कोशिश की सी, पर फिर भी करते कराते जिहड़ा टाइम है सवेर के 5:15 जिहड़े असी घरों निकले हाँ, तो उम्मीद है असी 4 घंटे के विच उत्थे पहुँच जावांगे। असी हुण पहुँच गए हैं सैक्टर 36 ते 24 की जिहड़ी विचकारली रोड है किसान भवन वाली, असी उहदे ते जा रहे हाँ। देखते हाँ अगे की बनता है। लोग घरां चों बाहर निकल आए ने। चंडीगढ़ का मौसम अज फिर थोड़ा जा बदलनुमा है, उमस हुई हुई है सवेरे सवेरे। ये चौंक है जी किसान भवन वाला, सज्जे हाथ तुहानू सामने किसान भवन है जिहड़ा नज़र आ रहा होगा। तो यह पैंदा जी दक्षिण मार्ग, इहदा नाम है इस सड़क का नाम। मेरे खब्बे पासे है 22 सैक्टर, तो मेरे सज्जे पासे है 35 सैक्टर। यह है जी 30, 31, 29 ते 32 का चौंक। असी 32 सैक्टर के होस्पिटल को लंघ के आए हाँ। तो असी जीरकपुर तो खब्बे नू मुड़ांगे अगे, फिर उत्थों जिहड़ी नाढा साहब वाली रोड है मोरनी हिल वाले पासे असी उस ते चढ़ांगे जाके। मौसम है जिहड़ा थोड़ा जिहा ह्यूमिडिटी वाला मौसम है अज, पिछली बार नालों थोड़ी जी गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बारी तो मौसम चंडीगढ़ ही मीह पै रहा सीगा, पर अज हवा तो चल रही है पर हवा मूरली है, ये भी जोर लग रहा है, चढ़ाई भी है, पर चैलेंज तो चैलेंज ही है। जितों तक हो सके असी जरूर कोशिश करांगे अपनी तौर तक पहुँचन की जान की। बाकी रब राखा, देखते हैं की बनता है। ये है जी द ट्रिब्यून जा पंजाबी ट्रिब्यून जा ट्रिब्यून भवन की बिल्डिंग, जिथे चंडीगढ़ तो जिहड़ा न्यूज़पेपर छपदा ट्रिब्यून उहदी बिल्डिंग है। तो मैं खड़ा उहदे सामने वाली सड़क पर, तो सामने जिहड़ा चौंक आऊगा वो आऊगा ट्रिब्यून चौंक। मैं तुहानू दिखाउणा थोड़ी देर च आपां उत्थे पहुँच जावांगे। ये है जी ट्रिब्यून चौंक। जदों भी असीं जीरकपुर वाले पासिओं आउने आ जां पटियाले तो आईए तां सानूं ये चौंक है जिहड़ा रास्ते जरूर पैंदा है। तो बहुत सारे जिहड़ी लोग ने जां चंडीगढ़ की जिहड़ी पुलिस है वो इत्थे नाका जरूर ला के रखती है, क्योंकि पंजाब जां बाहरले स्टेटां तो आईयां गड्डियां वाले उन्हां दा शिकार बनदे ने, उन्हां दी इत्थे चैकिंग हुंदी है। तो इंडस्ट्रियल एरिया जिहड़ा शुरू हो गया है मेरे सज्जे पासे, पिछले सैक्टर भी इंडस्ट्रियल एरिया सीगा, ये अगला सैक्टर है। टॉरक जिहड़ा लॉन्ज है रेस्टोरेंट है वो सामने तुम दिख रहा होएगा। अंबाला हैगा जी इतों 38 किलोमीटर, पटियाला 62 ते जीरकपुर हैगा 6 किलोमीटर। तो असी 6 किलोमीटर तो अगे खब्बे मुड़ांगे, उदों तक वीडियो का इंतजार करो।
क्योंकि असी सफर भी जो सवेरे सवेरे कढ़ लिए तो ठंडे ठंडे वधिया गल है, जो धुप निकले तो बुरा हाल हो जाना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों जिहड़ा मेरे पिछे तुसीं ओपन हैंड देख रहे हो, मैं उहदे बारे तुहानूं गल दस्सण लग्गा कि ली कार्बूजी ने जदों चंडीगढ़ का आर्कीटेक्चर बनाया तो उसने लभ्या कि जिहड़े इसके आस पास के इलाके ने उन्होंने विजिट किया, घूमे फिरे, देखा कि भी इत्थे की जिहड़ा चंडीगढ़ का एक सिंबल हो सकता है। तो जदों असीं देखिया कि पंजाब के पिंडां दे विच असीं बारां दे मूहरे गेटां दे मूहरे तवे की कलख नाल खुले हथ के पंजे लाए होंगे सी काले रंग के, तो ली कार्बूजी के मन च जो ख्याल है कि क्यों लाए जाते हैं, जो उन्होंने स्टडी की अध्ययन किया तो उन्होंने इस करके चंडीगढ़ का जोड़ा ये निशान है वो साढ़े पंजाबी समाज चो पंजाबी कल्चर के पंजाबी लोग रवायत के जोड़ा लिया, इस करके ओपन हैंड सिंबल है स्वागत का, वेलकम का, जिमें असी घर अपने मेहमाना का वेलकम करते हैं, अपने गैसटां दी जिहड़े उन्होंने जी आया आखदे हैं, इस तरह चंडीगढ़ का यह सिंबल है जिन्हों सारे जी आया आखदे हैं। ये छोटा जिहा जिहड़ा इतिहास सी, चलो आपां फिर आपां अगले सफर पर चलते हैं। असी पहुँच गए जी जीरकपुर, जीरकपुर तो जिहड़ा पुल है तुहानूं दिखाई दे रहा है ये सीधा रास्ता जाता जिहड़ा दिल्ली नूं, तो सज्जे पासे आपां पटियाले चले जाने हैं, तो खब्बे पासे असी जावांगे जिहड़ा शिमले वाले रोड पर, तो शिमले वाले रोड पर जिहड़ा जिथे नाढा साहब नूं रास्ता जाता असीं उत्थों ही मोरनी जावांगे। तो इस पुल की जिहड़ी हाइट है जां पुल है जिहड़ा तुसीं देख रहे होंगे यह काफ़ी अरसे बाद जिहड़ा इत्थे बणिया जिहदे नाल बहुत सारा ट्रैफिक है जिहड़ा दिल्ली जाण वाला उह सीधा ही जिहड़ा इस पुल राहीं दिल्ली लंघ जांदा है। आओ अगे देखदे हां फिर आपां की बणदा, चलदे हां आपां अगले सफर ते। असीं पै गए हाँ जिहड़ा कालका शिमला वाले हाईवे ते, अगे थोड़ी दूर जाके फिर आपां सज्जे हथ मिलांगे। गल कर रहा सीगा कि बड़े कमाल की गल हुंदी है कि जदों भी असीं किसी पहाड़ी खेतर विच एंटर करते हैं, पहाड़ी एरिया जाने हाँ, तो एक अजीब जी किस्म की खिच, खुशी, जिहड़े भाव ने साडे बहुत कमाल दे कन्वर्ट ही हो जाते हैं। जिवें एक शहर तो निकल के असीं किसी जंगल च आ जाने हाँ, जां असीं किसी शहरी सभ्यता तो किसी ट्राइबल सभ्यता चले जाइए, उस तरह के भाव ने जिहड़े मेरे मन च आउंदे ने, तुहाडे मन च भी आउंदे होणगे, सारिआं नूं इह महसूस हुंदा होगा। कितने कितने मैनूं लगदा है कि जिहड़ीआं साडी प्रिमिटिव जिहड़ीआं साडे च आदतां ने जां प्रिमिटिव जिहड़ा साडे विच कुछ बचिआ खुचिआ रहि गिआ बाकी है, उह सानूं अपणे वल खिचदा है। जिवें कहिंदे आ कि वी जिहड़ा खून दे रिश्ते हुंदे ने उह तोड़ के भी नहीं टुटदे, इस तरह जिहड़े साडे एक मनुख दे कुदरत दे नाल जिहड़ा रिश्ता साडा उहनूं जिन्ना मर्जी असीं तोड़ लईए
ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਕਸਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੱਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੱਧਮ ਮੱਧਮ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫੇਕ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਘੋਰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਿਓ ਭਿੱਖਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਨੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੋਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਮੋਰਨੀ ਨੂੰ ਮੋਰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਉਤਰਾਈ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਰਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ Thank you.
जिस जगह पर असं खड़े हैं इतने बहुत पुराने जड़े दरख्त ने तुसी मेरे पिछे देख रहे होंगे बोर्ड के दरख्त ने सदियों तो जोड़ा जंगल है साड़ा इस तरह की जी विरासत है वह संभाल ही रखता है। बहुत सोहने रुख उन्होंने तने तुसी देख सकते हो किन्ने पुरानी इन्हों की उम्र होएगी अंदाजा लाना थोड़े वास्ते बहुत सौखा है। जिस जगह पर असं पहुंचे हाँ इतों जोड़ा मोरनी है वो हैगा 24 किलोमीटर के आस पास तो काफ़ी चढ़ाई है। दूसरे पास जो असं पहला ट्रैक किया चढ़ाई घट सी चढ़ाई लगता है कि आ मोड़ जाके उतराई आऊगी पर ज्यों ही अगला मोड़ ते पहुंचदे आ होर चढ़ाई देखने को मिलती है। अद्धे घंटे तो ही सिलसिला चल रहा है हाँ राहत महसूस हुई है उतराई आई है थोड़ी जी धुप भी निकल आई है नाल दी नाल ही पर मौसम बहुत खूबसूरत है सोहना मौसम है आनंद आ रहा मित्रों साइकिलिंग का। इधरले पासे तुसी देख सकते हो खड्डां दे विच वादियां च गल्लां गल्लां दे विच चढ़ाई फिर आ गई है। इस चढ़ाई ने लहू पीता साडा अज उम्मीद है इस मोड़ तो बाद शायद फिर उतराई आवे। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਂਦਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਮਾਂਦਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਲ ਵਾਟਿਕਾ ਬੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੂਸ ਬਣਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਫਾਇਤੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਤਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਦਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ अंदर इन्होंने एक पूल भी बनाया हुआ है बड़ा सोहना तुसी देख सकते हो। जन जन को बतलाना है सबको पेड़ लगाना है बिल्कुल सही गल है जी। अज बहुत जरूरत है रुखां दी वातावरण बचाउण वास्ते। देखो बहुत ही खूबसूरत जिहड़ी जगह तुहानूं नज़र आ रही है ते इन्होंने बड़े सोहने सोहने छोटे छोटे रुख इत्थे लाए ने शायद नवी बनाई है इन्होंने। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੇਲ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਸਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕਰਨਲ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸੁਮੀਤ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਨੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਲ ਹੈ ਸਰ? इंडियन स्काउट मॉडल। ठीक है ट्रैम पैर तो तुम लोंग ड्राइव कितने कितने गए हो? पत्नीटॉप तक। ओके ओके तो होर इधर ज़्यादा कितने दूर नहीं तो कोई प्लैन हैगा अगर जाने का?
चलो वेरी गुड। अपने खेतीबाड़ी के काम धंधे करते हुए आ मक्की इधर रहे अपने पशुओं वास्ते मक्की तोड़ रहे हैं। हरेक पिंड का अपना अपना अलग अलग जिहड़ा काम करन दे तरीके ने, जिवें आपां दाती नाल कटदे ने लोक हत्थां नाल तोड़दे ने। लो जी, असीं आ गए इस चौंक दे विच जिहड़ा मंडाना तो 3 किलोमीटर दूर है, तो मोरनी इत्थों हैगा 11 किलोमीटर। तो इस जगह दे उत्ते असीं पहुँच गए हां। अगे इत्थे इन्हां ने एक वेलकम वास्ते पतंजलि जिहड़ा महारिषि पतंजलि दरबार बनाया होया, तुसीं आ देख सकदे हो महारिषि पतंजलि द्वार। यह है जी प्राचीन सती माता मंदिर दपाणा। एक मंदिर बहुत ही खूबसूरत जी थान पर बनया हुआ है, जिथे माता वालों अपार कृपा जी अपने भगतों पर होंगी है। मोरनी 8 किलोमीटर, जिमें जिमें असी मोरनी वल बढ़ रहे हैं चढ़ाई बढ़ रही है, तो तुसी देख सकते हेज भी बढ़ रही है घाटी के वादी के, क्योंकि चढ़ाई के उत्ते इस तरह का मौसम अक्सर है जोड़ा
हो जाता। बहुत सोहने जिहड़े फुल नाल पहाड़ी फुल जिहड़े खिड़े हुए ने, बहुत सोहनी वादी है अजकल बहार आई हुई है इस वादी दे विच। स्लाइडिंग अक्सर पहाड़ा च होंदी रहिंदी है। इत्थे भी छोटा जिहा टुकड़ा जिहड़ा सड़क दा तुसीं देख रहे हो, इह बारिशां दे विच बह चुका है। दोस्तों जदों भी असीं किसी पहाड़ी एरिए जाने जा किसी सफर पर जाने तो एक गल देख के बहुत ही मैं जो बुरा लगता है कि जोड़ा साढ़े हिंदुस्तानी लोग ने वो इन्ना कुदरती थावान का बिल्कुल भी जो ध्यान नहीं रखते। मैं तुम्हें तो दिखाना कि आ सड़क के किनारे देख लो तुम, ये शराबा के जोड़े लिफाफे खाण पीन वाली जी वस्त उन्होंने रैपर ढेर, यह कितों की जी सभ्यता है कि तुसी आओ तो कुदरती गोद दे विच लेकिन उत्थे जिहड़ा गंद पा के चले जाओ। आ किड्डा सोहना दरख्त है लेकिन इस दे थल्ले तुसी देखो कि आ कूड़ेदार ढेर लाउण वाले कौन ने। दोस्तों मेरी बेनती है, गुजारिश है, दोनों हत्थ बन के जदों भी तुसी किते बाहर घूमण फिरने जाओ तो कृपा करके इस तरह का जिहड़ा गंद है वह ना फैलाया जाए तो साढ़े सारे वास्ते बेहतर होएगा। तो आओ सफाई का असी ध्यान रखिए ता कि जिहड़े आने वाले ने कुदरत नूं देखण वाले ने निहारन वाले लोग ने उन्होंने उन्होंने अखा के बच्चे ना चुभन। मोरनी है जी इतों 5 किलोमीटर दूर, थोड़ी उतराई आ रही है, सुख का सह आया है। चंडीगढ़ मोहाली तो बहुत गड्डिया आ रही ने सवेर दया लोग, क्योंकि हिमाचल करोना करके बंद है लोग है जड़ा वह मोरनी वाल भज रहे ने सारे। दोस्तों असी लगभग जी मोरनी की हाइट पर पहुँच चुके हैं, तुसी देख रहे होंगे मेरा चेहरा पसीनो पसीने हुए पे हैं। जड़ा मोरनी इतों हैगा लगभग 3 किलोमीटर मैक्सीम होएगा, तो असी बिल्कुल हाइट पर आके सारे रुख चेंज हो गए, पाइन दे ट्री आ गए ने, तो मेरे पिछे जो वादी का सीन है तुम देखो बदल जो छाए हुए ने, काफ़ी खूबसूरत मौसम है। लेकिन इस मौसम के साइकिलिंग करने का अपना ही मज़ा है, तुम्हें पता ही है जो साइकिलिंग करते हैं, तो मैं थोड़ा इस वादी का सीन दिखा लग्या हूँ। जी वन चेतना केंद्र मोरनी, बड़ा खूबसूरत जी जगह पर बनाया इन्होंने, औषधि वन चेतना केंद्र मोरनी। करताल हैगे जी इतों 8 किलोमीटर दूर, तो देखते हैं कि साडा मूड हैगा टिकरताल जाण दा कि नहीं, क्योंकि टिकरताल की सारी उतराई है 8 किलोमीटर लगभग, फिर सानू उन्ना ही वापस आना पऊगा। इधरले पासे हैगे मोरनी की जिहड़ी मार्केट है बाजार है, तो देखते हैं हुण किहड़े पासे असीं जावांगे।